इंदौर के डिस्पोजल फ्री बाजारों में अब गन्ने की खोई से बनी हुई प्लेटों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्लेट्स 90 दिनों के अंदर पूरी तरह से मिट्टी में घुलकर खाद बन जाती हैं। डिस्पोजल क्रॉकरी का इस्तेमाल करने वाला इंदौर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जो एक बाजार में इस तरह की प्लेटों का प्रयोग कर रहा है। इंदौर शहर का 56 बाजार पूरी दुनिया में खान पान के लिए जाना जाता है। 56 बाजार में देश विदेश के लोग खान पान के लिए पहुंचते हैं, लिहाजा इस मार्केट में होने वाले हर प्रयोग पर पूरे देश की निगाहें भी रहती हैं। इस बाजार को टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर विकसित किया गया है। इस बाजार ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इंदौर के 56 बाजार में खाने पीने की सामग्री गन्ने की खोई से बनी हुई प्लेटों में परोसी जाएगी। गन्ने की खोई से बनी हुई प्लेटों का इस्तेमाल करना कई मायनों में फायदेमंद है। ये प्लेटें कचरे की मात्रा को कम तो कर ही रही हैं, साथ ही इसे नष्ट करना भी बड़ा आसान है। इस्तेमाल के बाद ये प्लेटें जैविक खाद के रूप में काम आ सकती हैं। और हमारा जो चक प्रोडक्ट है वो चक प्रोडक्ट 0% केमिकल यूज प्रोडक्ट है, 100% कंपोस्टेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। रेट वाइज हम मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं इस चीज के लिए कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा रेट हम मार्केट में लेकर आए जो कि हर पर्संस के लिए वो अफोर्ड कर सके इस प्रोडक्ट को। खन्ने की खोई से प्लेट बनाना बड़ा ही आसान है। चीनी मिलों के लिए भी ये फायदे का सौदा साबित हो रहा है। गन्ने की खोई को पानी में गलाकर पेस्ट बनाया जाता है। मोल्डिंग मशीनों में सांचे फिट किए जाते हैं, उन सांचों में इस पेस्ट को डालकर क्रॉकरी तैयार की जाती है। इसके बाद इन्हें फिनिशिंग कर बाजार में बेचा जाता है। ये जो प्रोडक्ट है ये 100% इको फ्रेंडली है, सेफ है, और इसमें यदि कोई एनिमल भी खाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज इट इज़ प्योरली मेड फ्रॉम शुगर कैन पल्प। अभी जो पल्प जो होते हैं हम वो जो शुगर कैन के मिल्स है हमारा टाई अप है और हम उनसे बाय करते हैं एक अच्छे दाम पे, और उसको प्रॉपरली हम क्लीनिंग प्रोसेस से करके दीपित करते हैं। दीपित करने से क्या होता है कि जो ऊपर का जो छिलका होता है और अंदर का और एक जो पाम सॉफ्ट मटेरियल होता है उसको हम सेपरेट करते हैं, और जो जो हार्ड मटेरियल है उससे हम उसको प्रोसेस करके प्रॉपर कुकिंग करके और क्लीनिंग प्रोसेस से हम उसको टेबलवेयर प्रोडक्ट मोल्डेड में फॉर्म करके प्रोड्यूस करते हैं। फिलहाल ये प्लेटें 1 रुपए से लेकर 4 रुपए में मिल रही हैं। कागज की प्लेटें इनसे काफी सस्ती हैं। इसके बावजूद इंदौर के 56 बाजार व्यापारी एसोसिएशन ने इन प्लेटों को हाथों हाथ लिया है। इनका कहना है कि इन प्लेटों को बाजार में यूज करने से कचरे को अलग अलग करने की समस्या खत्म होगी। जो अभी हम डिस्पोजेबल यूज करने जा रहे हैं वो डिस्पोजेबल डीकम्पोस्टिंग वाला डिस्पोजेबल है, मतलब गन्ने की घास का बना हुआ ये डिस्पोजेबल है। अगर आपने कंपोस्ट प्लांट में डाला जिसमें हम गीला कचरा डालते हैं, उस गीले कचरे में अगर ये गया तो ये कंपोस्टिंग हो जाएगा। यानी ये आम पेपर के जैसा नहीं है कि इसको कंपोस्ट नहीं कर पाएँ। इसमें ये एक सुविधा है कि जो सेग्रीगेशन के समय हमको जो मुश्किल आ रही है कि सेग्रीगेशन में हमने सूखा कचरा अलग किया और गीला कचरा अलग किया, इसमें सेग्रीगेशन में वो तकलीफ नहीं आएगी। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बाद बाजार में कई तरह की डिस्पोजल क्रॉकरी उपलब्ध थी। आसानी से नष्ट होने वाली डिस्पोजल सामग्री को कई दिनों से खोजा जा रहा है। देश में लगातार 4 बार से नंबर 1 बने इंदौर शहर ने 5वीं बार भी नंबर 1 बने रहने के लिए खास तैयारी की है। यही कारण है कि इंदौर में पर्यावरण को बचाने के लिए भी ऐसी तकनीक अपनाई गई जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सके। ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।